एंड वेलकम गाइस, आ चुके हैं कौन वीडियो के साथ वापस। एंड आज की वीडियो काफी ज्यादा ही मजेदार होने वाली है। आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे न तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ओ गाइस यार, आज का मौसम तो बहुत ही ज्यादा मस्त है एंड आज तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे ये फ्रैंकलिन की कॉल क्यों आ रही, रुको मैं इससे बात करता हूँ। हाँ फ्रैंकलिन भाई, इतने दिनों के बाद तुमने कॉल, कैसे करती भाई, और सब बढ़िया है ना? हाँ भाई मैं तो बढ़िया हूँ भाई, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ यार, मेरा बहुत ही ज्यादा मन है तुमसे मिलने के लिए। अरे हाँ भाई यार, मिलने का तो मेरा भी बहुत मन है, पर तुम मिलोगे कहाँ पे मेरे को? अरे भाई तुम्हारी सिटी में जो विलेज है ना, वहाँ पर तुम आ जाओ, मैं तुमको वहीं पे मिलूंगा। ओके फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ। तो गाइस अभी आप लोगों ने देखा ना भाई, मेरी फ्रैंकलिन से बात हुई और वो भाई हमसे मिलने के लिए आ रहा है। चलो भाई टीवी में देखते हैं, टीवी में दिखेगा या नहीं। गाइस यहाँ पर आप लोग भाई टीवी में देखो भाई, फ्रैंकलिन अपने घर से निकल चुका और ये हमसे मिलने के लिए आ रहा। भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि गाइस ये ना भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे से मिलने के लिए आ रहा है। गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, गाइस हमारी सिटी में ना एक विलेज है और वही विलेज पे ये मिलने के लिए आ रहा है, क्योंकि गाइस यार ये ना भाई गैंगस्टर है, अगर ये सिटी में आएगा तो इसको पुलिस वगैरह पकड़ लेगी। तो इसीलिए ने कहा है भाई मैं तुमसे भाई विलेज में मिलने के लिए आ जाऊंगा। तो गाइस अभी ना मेरी फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो ना भाई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। एंड चलो गाइस फटाफट से मैं उससे भाई मिलने के लिए चलने वाला हूं, और मैं साइकिल से थोड़ी ना जाऊंगा। तो चलो गाइस फटाफट से अपनी यहां पर बुलेट उठा लेते हैं एंड देन उसके बाद चलते हैं और देखेंगे भाई वो हमको कहां पे मिलने वाला है और क्या होने वाला है आगे। तो गाइस अभी देख सकते हो मैं ना भाई अपने घर से निकल चुका हूं, विलेज ना भाई काफी ज्यादा ही दूर है। तो गाइस मैं सोच रहा था उससे मिलने से पहले क्यों ना भाई मैं एक न्यू बाइक परचेस कर लूं। तो गाइस अभी मैं सीधा चलने वाला हूं अपने भाई बाइक शोरूम पर एंड वहां पर भाई बाइक्स भी मिलती हैं, कार्स भी मिलती है, बहुत सारी चीजें। तो अभी ना भाई मैं एक न्यू बाइक परचेस करने वाला हूं एंड गाइस वो ना भाई बहुत ज्यादा ही मस्त होने वाली है। तो चलो आप लोगों को भी दिखा देता हूं कैसी बाइक होने वाली है। सो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ना भाई अपने शोरूम पर आ चुका हूँ। तो चलो गाइस मैं अंदर चलकर दिखाता हूँ मैं कौन सी बाइक परचेस करने वाला। तो अभी देख सकते हो यहाँ पर भाई पोर्शे खड़ी है, वो भी देख सकते हो यहाँ पर गोल्डन कलर की, मतलब गाइस यहाँ पर सोने वाली पोर्शे खड़ी है जो कि काफी ज्यादा ही मस्त लग रही है। एंड गाइस यार ये तो मेरी औकात नहीं है कि मैं इसको परचेस कर पाऊँ, बट कोई ना गाइस यार एक टाइम ऐसा भी आएगा मैं इसको भी खरीद सकूंगा। तो अभी गाइस मैं ना भाई कोई बाइक परचेस करने वाला हूँ, तो चलो फटाफट से भाई ढूंढता हूँ कौन सी बाइक मेरे को पसंद आती है। तो ये तो भाई KTM वगैरह, ये तो नहीं पल्सर वगैरह, ये भी नहीं बुलेट, नहीं ये तो बुलेट मेरे पास पहले से ही है। हाँ ये गाड़ी अच्छी लग रही है। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ कार्स भी हैं, जो कि मैं कार्स तो नहीं लेने वाला हूँ, कार्स भाई बाद में लूंगा क्योंकि मेरे पास थार पहले से ही है। तो गाइस यार यहाँ पर इतनी सारी बाइक्स कार है भाई, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर ये बाइक काफी ज्यादा ही पसंद आ रही है, चलो गाइस फटाफट से इसे ही हम परचेस कर लेते हैं और फिर चलते हैं इसको लेकर भाई फ्रैंकलिन के पास और उसे भी दिखाएंगे कि देखो मैंने न्यू बाइक ली है। तो चलो गाइस फटाफट से इसकी डिलीवरी ले लेते हो। गाइस हमारी जो यहाँ पर बाइक आप परचेस करोगे ना, तो आपको वो चीज पीछे खड़ी मिलेगी। तो चलो फटाफट से पीछे चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हो मैं ना भाई पीछे आ चुका हूँ एंड यहाँ पर देखो ये देखो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा ही मस्त चीज है। मतलब आप यहाँ से कोई भी चीज परचेस करोगे ये लोग भाई सेलिब्रेट करते हैं, जो कि काफी ही ज्यादा मस्त चीज है। और बाइक देखो कितनी ज्यादा ही मस्त लग रही है, और गाइस यार मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। अरे भाई यार फ्रैंकलिन की कॉल आ रही, रुको देखो ये क्या कर रहा है। अरे भाई यार मैं गांव आ चुका हूँ भाई, तुम कब आओगे, जल्दी जल्दी आ जा भाई यार, मेरे को फिर अपनी सिटी में भी जाना पड़ेगा। ओके फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ, बस तू थोड़ा सा वेट कर ले। तू गाइस अभी देखा ना भाई फ्रैंकलिन की कॉल आई थी और वो कह रहा भाई वो गांव में आ चुका है। तो चलो गाइस फटाफट से मैं अपनी इस न्यू बाइक को लेकर चलता हूँ विलेज में एंड फ्रैंकलिन से मिलता हूँ। गाइस बंदा भाई उसे भी बहुत सारे काम होते हैं, वो अपनी सिटी में वापस चला जाएगा। तो गाइस यार वापस जाने से पहले फटाफट से उसे मिल लेते चल के। तो चलो अपनी बाइक को उठाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सो तो हमारी बाइक ना भाई कितनी ज्यादा स्पीड में भाग रही है एंड गाइस यार यहाँ पर हमारी बाइक भी कितनी ज्यादा ही मस्त लग रही है। तो चलो फिर फटाफट से विलेज चलते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पर आप लोग देखो तो मैं ना भाई अपनी सिटी के विलेज में आ चुका हूँ और यहाँ पर देखो भाई घर कितने ज्यादा ही प्यारे बने हैं और रोड्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पर भाई कैसी बनी हुई है, बिल्कुल सिटी से अलग ही बनी है। तो गांव तो हमारा काफी ज्यादा ही मस्त है। तो चलो फटाफट से भाई फ्रैंकलिन को यहीं कहीं पे ढूंढते, वो यहीं कहीं पे होने वाला है। तो चलो फटाफट से अपनी बाइक को यहीं पे खड़े कर देते हैं एंड देखते हैं भाई फ्रैंकलिन मेरे को कहाँ पे दिखने वाला है। उसने तो कहा था भाई गाँव में ही मिलने वाला है यार, तो चलो उसका थोड़ा सा वेट करते, वो आ जाएगा। ओ भाई यार फ्रैंकलिन देख सो मेरे सामने खड़ा है भाई। और फ्रैंकलिन बताओ भाई कैसे हो?
अरे भाई यार मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ भाई, तुम तो यार बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हो। अरे रे यार भाई वो तो मैं बचपन से ही। अरे फ्रैंकलिन तुम तो मजाक भी कर लेते हो। और भाई तुम्हारे घर में सब बढ़िया? हाँ फ्रैंकलिन भाई मेरे घर में तो सब बढ़िया है, तुम बताओ मस्त हो? हाँ हाँ मैं तो मस्त हूँ। ठीक है भाई मैं चल रहा हूँ फिर अपनी सिटी में। ओके ओके भाई मैं भी जा रहा हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पर आप लोग देखा ना भाई फ्रैंकलिन से मेरी बात हो चुकी है। एंड गाइस यार वो मुझसे मिलने आया था, गाइस यार देखा ना भाई कितना ज्यादा ही मस्त लगा भाई उससे मिलकर, और वो तो मेरा बहुत ही अच्छा। गाइस यार ये मीटअप मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पर भाई गाँव में जंगली जानवर भी रहते हैं, तो मेरे को यहाँ पर भाई थोड़ा खतरा भी है। तो चलो गाइस फटाफट से मैं अपनी दोबारा से अपनी सिटी में चलता हूँ, क्योंकि गाँव में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और फ्रैंकलिन भी निकल चुका है अपनी सिटी के लिए, और वो भी ऐसे ही भाई एक दो घंटे में अपनी सिटी में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको भाई बहुत सारे काम होते हैं इसलिए वो जल्दी चला गया। और भाई हमारी मीटअप कैसा लगा आप लोगों को वो भी आप लोग मुझे कमेंट जोन में बता देना। एंड बस गाइस यार आज की वीडियो में तो इतना था, आई होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।